के ड्राइव पे है, जो सीमेंस की ड्राइव आती है, क्योंकि सीमेंस की बहुत रेंज की ड्राइव आती है। सीमेंस एक लीडर है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल और ऑटोमेंशंस में, तो ये इसकी भी एक ड्राइव आती है और बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम ये बनाती है कंपनी सीमेंस। आपने सुना ही होगा सीमेंस का मॉडल PLC, बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। तो इसकी ड्राइव पे आज का जो वीडियो है वो इसके ड्राइव पे है। इसके ड्राइव में मैं आपको बताऊंगा कीपैड को ऑपरेटिंग करना, पैरामीटर सेटिंग करना, कनेक्शन करना, और उसके बाद इसमें कुछ बेसिक पैरामीटर डालना और कमीशनिंग करना। ये सारे स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और मैं इसमें क्लियरली से बताऊंगा और सारे के एग्जांपल के साथ बताऊंगा। दोस्तों तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो ये एक ड्राइव है, सारी रेंज ये स्मॉल है, उससे ये मिनी है, मल्टी है, ये सारे मेगा है। दोस्तों एक चीज़ इसमें क्या होता है कि मल्टी मिनी सब में क्या होता है, उसके छोटे की डिस्प्ले होता है, जो मेगा होता है जैसे आप फ्यूजी ले लो या स्कावा ले लो, तो उसमें मेगा में क्या होता है LCD डिस्प्ले होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं। दोस्तों बिना इन्वेस्ट टाइम के आप चलते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को दौड़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइव को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका जो मैन मन मास्टर होता है, जहाँ से वो सारा वर्क करेगी, सारा कुछ लेगी, उसे कीपैड कहता है। ड्राइव का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कीपैड, कीपैड से ही पैरामीटर डालता है, कीपैड से ही सारा कुछ ड्राइव के अंदर हम डालते हैं, तो वो मास्टर ही होता है ड्राइव का, तो उसे समझ लो, उसके बाद कोई भी ड्राइव को आप चला सकते हो। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखा कि ड्राइव पे, और बहुत सारे ड्राइव पे मैंने सारे ड्राइव का कीपैड से लेकर सब कुछ मैंने बताया है। तो ये ऑटोमेंशन ड्राइव है, विदाउट इसके अंदर कोई भी इनबिल्ट पोटेंशियल मीटर नहीं है, एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर बेसिस है, और ये काफ़ी इजी है। इसके अंदर फंक्शन बहुत ज़्यादा दिया गया है, जो फंक्शन आपका काम को इजी और इजीली कर सके अदर ड्राइव के कंपेयर में। चलो दोस्तों तो चलते हैं इसके मास्टर पे। दोस्तों आ चुके हैं इसके कीपैड पे। दोस्तों ये जो है ये मिनी कीपैड है, ये मेगा कीपैड है, ये मतलब बेसिक ऑपरेटिंग कीपैड है, और ये मेगा है, मेगा मतलब एडवांस है। इसमें क्या है कि बहुत सारे पैरामीटर्स आपको, बहुत से चीज़ आपको इसमें दिखेगा और आप उस पर जा सकते हैं। आप समझ लो फ्यूजी मेगा और फ्यूजी मिनी की तरह समझ लो, ये नॉर्मल डिस्प्ले है, ये मेगा डिस्प्ले है। तो बिना टाइम इन्वेस्ट के दोस्तों हम सबसे पहले इसके कीपैड के फंक्शन की है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको इनसाइड में करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आई, मतलब ये आई से वन हुआ, ये जीरो हुआ, वन मतलब ऑन और जीरो मतलब ऑफ, इससे ये रन होगी। मैंने कीपैड से आप चलाना चाहोगे ना तो इसको दबाओगे तो ये रन करेगी, इससे दबाओगे तो ये रुक जाएगी, स्टॉप, ये रन स्टॉप। हर एक ड्राइव, कोई भी कंपनी ड्राइव हो, दो चीज़ तो मिलेगा, ये चलाने का और रोकने का, और एडवांस ड्राइव में क्या होता है दोनों डायरेक्शन में चलाने का मिलता है। ये हैंड, ये ऑटो, हैंड का मतलब ये है कि आप इसको दबा दोगे तो ये क्या होगा, ये जो टर्मिनल से कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा, ड्राइव जो भी काम करेगा ये कीपैड से ही करेगा। ऑटो कर दी तो फिर टर्मिनल से कमांड लेना शुरू कर देगा, जैसे होता ना ये कमांड सोर्स टर्मिनल या कीपैड, तो वो यहाँ से आप बटन से ही कर सकते हो। उसके दोस्तों फंक्शन होता है ये फंक्शन, उसके बाद पैरामीटर अप एंड डाउन, ये पैरामीटर है, ये फंक्शन है। आप किसी कोई सी फंक्शन में आप जाना चाहते हो, बहुत सारे फंक्शन होते हैं कि आप जाना चाहते हो कंट्रोल फंक्शन में, कोई भी फंक्शन में जाना चाहते हो उस फंक्शन में आप जा सकते हो। ये है पैरामीटर, ये अप डाउन माने इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आप 4 में तो 5 में जाना चाहते हो, ये हो गया। और सिमिलर इसका भी सिमिलर ही है, दोनों सिमिलर ही है, पर इसका स्क्रीन अलग है, मेगा मल्टी। ये कीपैड का सारे की मैंने बता दिया, ये डिस्प्ले है जिस पर डाटा शो करेगा, ये 30 Hz चला हुआ है, 40-50 करंट चेक करना हो, वोल्टेज चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, तो ये फंक्शन है ना, फंक्शन किसे आप क्या दबाओगे तो करंट पे शिफ्ट कर दो तो करंट बताए कितना एम्पेयर दे रहा है, वोल्टेज कितना निकाल रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना निकाल रहा है, सारा कुछ इस फंक्शन की हेल्प से अदर ड्राइव में शिफ्ट होता है। शिफ्ट से आप वोल्टेज पे शिफ्ट कर लो, करंट पे शिफ्ट कर लो, आपको बताएगा ड्राइव कि कितना करंट ले रहा, मोटर कितना ये ले रहा, तो ये फंक्शन की का काम करता है ये, और उसके शिफ्ट समझ लो इसमें। ये पैरामीटर मतलब प्रोग्राम बटन, पी मतलब प्रोग्राम बटन, प्रोग्राम खुलेगा। अब चलो दोस्तों एक इस सारे की का एक एग्जांपल है, उससे हम समझें। दोस्तों हमने क्या किया, पी का बटन दबाया तो कुछ मुझे आ गया, पैरामीटर खुल गया इसका, PR000 आ गया। उसके बाद मैंने क्या अप, तो अब हम आ गए हैं P000 में। अब P000 के अंदर जाना है तो फिर प्रोग्राम का बटन दबाया, ये इंटर का भी काम करेगा, एग्जिट का भी काम करेगा, पैरामीटर तीन फंक्शन एक ही करेगा। अब फिर मैंने पैरामीटर का बटन दबाया तो क्या हुआ, F00 के 4 में 0 डाला है, तो हम क्या करें इसको अप से 3 कर दिया। अगर हम इसको डाउन से कम करना चाहते तो 2 कर सकते हैं, हमने 3 कर दिया अप डाउन की से 3 करके, उसके बाद हमने इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करके रखा
ये लिखा ना कन्फर्म टू प्रेस, इधर हमने प्रेस कर दिया, ये पैरामीटर सेट हो गया, आप फोर आ गया। अब इसी तरह एक नेक्स्ट स्टेप में चलता है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर से पैरामीटर का बटन दबाया, फिर ऐसा 8000 आया, उसके बाद मुझे अप का बटन दबाया, तो ये हमने इतना बड़ा दबाया कि ये चला, इसको मैंने कर दिया शिफ्ट के बटन से, इवन फंक्शन के बटन से हमने इसको कर दिया पी 1082 में चले गए, 1082 में आप जो डालना वो डाल दिए, फिर से पैरामीटर दबाए, तो उसी तरह ये पैरामीटर खुलेगा भी, सेव भी करेगा। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मैंने पैरामीटर का बटन दबाया तो कुछ 8000 आएगा, तो उसको फिर मुझे आपका दबाना था, हम चले जाएंगे P0004 में, P R S सबका अलग अलग अल्फ़ाबेट होता है, हमेशा ड्राइव में पहला नंबर अल्फ़ाबेट का होगा, बाकी सब नंबरिंग होगा। ओके दोस्तों, तो आपने की का यूज़ समझ गया, पैरामीटर कैसे खुलना है, पैरामीटर कैसे सेट करना है, पैरामीटर से की पैरामीटर खुलेगा। अगर आपको जब हमने P00 के 4 में चले गया, 4 में 0 था, हम उसको 3 कर दिया, अभी फिर से पैरामीटर को दबा देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसी तरह नेक्स्ट पैरामीटर बताया, नेक्स्ट स्टेप में इसने P1082 में जाके कुछ किया। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि इसकी जो इंटरनल वायरिंग होती है, टर्मिनल कैसे होगा, कैसे वायरिंग करना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब वायरिंग पे आ जाता है दोस्तों, ड्राइव का इंटरनल पार्ट कुछ ऐसा है, जिसमें सबसे पहले होता है वायर। देखो ड्राइव के अंदर दो चीज़ होता है, कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग। पावर वायरिंग क्या है, 3 फेज लगाना है, MCB लगा सकते हो, या आपको फ्यूज या फ्यूज लगा सकते हो, या आप ये कॉन्टेक्टर भी लगा सकते हो। तो उसके बाद मैंने लगाया, इस प्रोसेस बता रहा कि पहले कोई भी इनपुट इसके अंदर जाता है, उसको रेक्टिफिकेशन करता है, फिर इन्वर्टर उसको कंट्रोल करके मोटर को कंट्रोल करता है, और ये DBR है। DBR का मतलब क्या होता है कि ये दोनों लगा सकते हो, इसमें दो तरह का ब्रेकिंग होगा, DC ब्रेकिंग और असिस्टर ब्रेकिंग DBR। तो आप DC सप्लाई देके इस मोटर का, इस मोटर को ब्रेकिंग टाइम में रोक सकते हो, या आप DBR लगा दोगे तो इसका जो एनर्जी बनेगा उसको DBR हीट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इसका CPU है, प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्या है, इसमें कहीं भी ये एनालॉग है, एनालॉग कंट्रोल है, एनालॉग टू डिजिटल है। इसमें क्या होगा, एनालॉग वैल्यू डालोगे, उसके हिसाब से आपका आउटपुट मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी, आपको पता होगा, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसके एनालॉग का मतलब होता है एनालॉग, इसमें डबल एनालॉग दे रखा है। और इसके बाद डिजिटल टू एनालॉग मतलब ये सिग्नल आप यहाँ से मल्टीमीटर लगा के 12 और 13 नंबर पे आप कोई वोल्ट मीटर या एमीटर लगा के चेक कर सकते हो कि हमारा जो ड्राइव है कितना वोल्टेज निकाल रहा है, कितना ये है, उससे आप चेक कर सकते हो। डिजिटल एनालॉग क्या है, इससे ये होगा एनालॉग वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल होगी, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 50 होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी 0 होगी। ओके दोस्तों, तो आप जितना अगर 10 वोल्ट डाल दिए इसको, तो ये 50 फ्रिक्वेंसी पर चलना शुरू हो जाएगा। अगर 420 मिली एम्पियर होता है, ये आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड एनालॉग है, स्टैंडर्ड, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं कुछ का। अब डिजिटल की बात करें, डिजिटल में इसमें डिजिटल का जो होगा, डिजिटल हमेशा लिखा होगा, इसमें लिखा है दोस्तों, एक बार जूम करता हूं मैं इसमें दोस्तों, इसका जो है ना, इसमें दो PNP या NPN कर सकते हो। तो मैंने इसने क्या कर गया, कंट्रोल करा, ये कंट्रोल करा 32 वोल्ट DC ये निकालता है, तो 32 वोल्ट DC से ही सारे डिजिटल को, माना ये क्या किया, सोर्सिंग कंट्रोल कर रहा है, सिंकिंग नहीं कर रहा है, सोर्सिंग से सारे बटन को डाल दिया। आप बटन से ना, आप 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मल्टी स्पीड है। तो पहला दूसरा तो इसका डायरेक्शन होगा, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, और बाकी सारे इसके मल्टी स्पीड होंगे। ओके दोस्तों, तो डायरेक्शन भी आपको डिजिटल ही देना पड़ेगा, और स्पीड जो कंट्रोल कर सकते हो, देखो किसी भी ड्राइव को ये चलाने के लिए डायरेक्शन डिजिटली ही मिलेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एनालॉग कंट्रोल कर सकते हो, मल्टी कंट्रोल कर सकते हो, और कम्युनिकेशन में दोनों कर सकते हो, डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो और आप उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। तो डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ये कम्युनिकेशन कराने के लिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस ड्राइव के अंदर कम्युनिकेशन कंट्रोल करवाने के लिए कम्युनिकेशन कंट्रोल करवाने के लिए इसके अंदर केबल लगता है, RS-485 का एक कम्युनिकेशन केबल होता है, उसके हेल्प से आप आस्किंग या RT मोड से हेल्प से इसका ड्राइव को कम्युनिकेशन करा के किसी भी PLC से इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, या आप टर्मिनल से एनालॉग PLC से भेज के इसको कंट्रोल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें दोनों ऑप्शन है, करंट का ये है, ये 3 नंबर करंट का है और 4 नंबर वोल्टेज का है, तो उसी तरह आप वोल्टेज करंट दोनों जो मर्जी आपको उस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वायरिंग समझ में आ गए दोस्तों, ये डिजिटल है, DIN1, DIN2 ये सब होगा, ये सारे डिजिटल होंगे, और ये सारे पॉइंट जो है 1 2, इसमें क्या नंबरिंग से बता रहा है, नंबरिंग से सारे टर्मिनल को डिफाइन कर रहा है। और कुछ ये है कि मोटर PTC बता रहा है, मोटर का जो टेम्परेचर होगा, मोटर अगर ओवर हीट हो रहा है ड्राइव उसको चलाएगी नहीं। उसके बाद दोस्तों ये रिले वन रिले टू का काम है। अब इससे क्या होगा कि अगर कभी ड्राइव हमारी कोई फॉल्ट आ गया,
तो हमें कमांड तो मिलना चाहिए, तो आपको एक डिजिटल कमांड भेजेगा आपको, उससे आपको ऐसा पता चल जाएगा कि हमारा ड्राइव में कोई फॉल्ट आ गया है। एक हो गया ये, इसमें रिसेटिंग भी डाल सकते हो कि अगर हमारा कोई फॉल्ट गया तो वहाँ से एक डिजिटल वैल्यू भेजेगा और ड्राइव को रिसेट कर देगा, वही कर सकते हो। दूसरा एक रिले ये है, तो इसमें कॉमन एनओ एन सी होता है, तो बीच का कॉमन है और दो ऊपर ऊपर एनओ नीचे ई, सॉरी ये इसका कॉमन को बीच में नहीं रखा है, ये कॉमन है, ये 20 नंबर कॉमन है, बीच में एनओ है और 21 नंबर एनओ है और 22 नंबर एन सी है, उसी तरह दोनों में सेम है, ये दोनों रिले है। तो एक में कॉमन एनओ एन सी होगा, दो रिले दिया, किसी में सिंगल रिले होता है, तो आप इससे दो काम कर सकते हो, मोटर कॉन्ट्रेक्टर को लगा सकते हो, मोटर को ड्राइव से इंसुलेट करवा सकते हो, जैसे मोटर हमारी चले, जैसे हमें ड्राइव ऑन हो तो मोटर का कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा, उसके बाद ड्राइव का सप्लाई मोटर को जाता रहे, तो इंसुलेट भी करा सकते हो इस कॉन्ट्रेक्टर के हेल्प से, इस कॉन्ट्रेक्टर को मोटर कॉन्ट्रेक्टर बना सकते हो या फॉल्ट कॉन्ट्रेक्टर बना सकते हो, उसका पैरामीटर सबका होता है, ये सारे बटन्स के सारे के पैरामीटर होते हैं, बिना पैरामीटर का ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके दोस्तों, तो बिना इसका कुछ भी काम नहीं करेगा। अब चलते मोटर का डाटा डालने के लिए, अब इतना हो गया आपका, तो अब बताना होगा कि मोटर का डाटा कैसे सेट किया जाएगा। तो मोटर का डाटा दोस्तों इसलिए आपको एक मैंने नेम प्लेट लिया मोटर का, एक सीमेंस का मोटर है उसका नेम प्लेट लिया, अब बता रहा हूँ। ये बोल रहा है कि F02307 में ये मोटर की एच पी पड़ेगी। ओके दोस्तों, कितने एच पी की है, 3 HP 4 HP किलो वाट भी आप डाल सकते हो, एच पी भी डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे P03 के, ये P03 का सीरीज है ना, मोटर का सीरीज है, तो इसमें क्या P037 में डाल दिया, P04 में दोस्तों इसमें डालना पड़ेगा वोल्टेज कितना है, मोटर का वोल्टेज डाल दो। उसके 10 में आप डाल दो मोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 में डाल दो मोटर कितने एम्पियर का है, 6 में RPM डाल दो। उसके बाद 9 में एफिशिएंसी पूछ रहा है कि मोटर की कितनी एफिशिएंसी है, सारे हो गए बस इतना डाटा डाल के, मोटर करंट वोल्टेज एम्पियर फ्रीक्वेंसी, अगर परमानेंट मैग्नेट मोटर है तो पोल भी बताना पड़ता है, तो एक बार कमीशनिंग देख लेते कैसे कमीशनिंग। सबसे पहले हमने प्रोग्राम का बटन दबाया, उसके बाद हमें क्या करना है, कमीशनिंग क्विक कमीशनिंग के लिए रेडी टू रन 0, कमीशनिंग के लिए क्विक कमीशनिंग के लिए हमें करना है 1 कर दिया। उसके बाद हम आ गए P00 के इसमें, और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी डालना होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो हमने 50 Hz डालना है। उसके बाद इसमें देखो दोस्तों, इसमें हमें एक मिनट में इसको जूम करता हूँ, काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा, ये चार्ट होता है, आप इस मैनुअल लोगे जब भी कोई भी ड्राइव का तो समझ जाएगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या करना, मोटर का वोल्टेज बताना, तो मोटर का वोल्टेज हमारे यहाँ 3 फेज होगा, तो 440 या 380 या कुछ ऐसा वोल्टेज जो आपका नेम प्लेट पर, वो आप इसके P03 के 04 में आप डाल दो। उसके बाद आप मोटर का करंट डाल देना है, P03 के 05 में डाल दो, 7 में डाल दो, मोटर का वाट कितने वाट का है, पावर HP में डाल सकते हो या किलो वाट में डाल दो, दोनों में हर लिख रहा है ना, किलो वाट HP और उसके बाद P03 के 8 में डाल देना मोटर की फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर भी डाल सकते हो या फ्रीक्वेंसी डाल सकते हो, ई फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, एफिशियंसी। उसके बाद दोस्तों 10 में P03 के 10 में जाकर आपको डालना है मोटर का फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जो AC मशीन होगी तो उसका तो आपको पता ही है कि ये उसका 50 होगा, और दूसरी मशीन होगी तो उसका अपना उसका पोल पर डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंसी की परमानेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोटर का स्पीड बता दो, और उसके बाद मोटर ओवरलोड फैक्टर डाल सकते हो, बाकी मोटर कमांड, अब दूसरा चीज़ होता है कमांड सोर्स की, पर इस ड्राइव में क्या है कि आप कीपैड से ही कमांड को बस कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो या मैनुअल, तो इसमें बता रहा है कि सेटिंग आपको टर्मिनल पे करना है तो 2 डाल दो, कम्युनिकेशन से करना 6 डाल दो, बेसिक पैनल कंट्रोल करना तो 1 डाल दो। तो ये है कमांड सोर्स की, कमांड टर्मिनल से चाहिए, कीपैड से चाहिए, कम्युनिकेशन से चाहिए, तो यह बताना पड़ेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात, फ्रीक्वेंसी कहाँ से चाहिए आपको, तो 9 इसमें लिखा 9 फ्रीक्वेंसी स्पोर्ट पॉइंट मतलब 0, तो आपको ड्राइव कीपैड पे है ना 9 फ्रीक्वेंसी पॉइंट, उसके बाद 0 कर दो, या मोटर पोटेंशियोमीटर पॉइंट्स, मोटर से अगर मोटर के पीछे से मोटर से खुद पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एनालॉग सेट पॉइंट आप डाल सकते हो, उसके बाद कम्युनिकेशन 6 डाल सकते हो, तो जो आपका है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इस सारे मीटर से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगा, देखो डिजिटल कंट्रोल होता है, एनालॉग कंट्रोल होता है, एक होता है कम्युनिकेशन, तो ये सारा बताया, एनालॉग डिजिटल ये है कम्युनिकेशन, एनालॉग और ये है डिजिटल, है ना, सेट पोटेंशियल मिले। अब उसके बाद है मिनिमम मोटर फ्रीक्वेंसी डालना, मिनिमम मोटर फ्रीक्वेंसी, तो आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मोटर कितनी भी चलनी चाहिए, मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 50 Hz, से उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। रैम टाइम, रैम अप टाइम मतलब जो स्पीड पकड़ेगी वो टाइम कंप्लीट कितना सेकेंड में पकड़ ले पूरी, और रैम्प डाउन टाइम, रैम्प डाउन का मतलब जो डेसीलेट होगी वो कितना चले, तो उसके लिए दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन है, इसको डी एक्सीलरेशन, तो टाइम अप सेट कर दो। उसके बाद इंड, इसके बाद P0 उसमें जाके कोई कमीशनिंग इंडी,
एंड क्विक, अब जो है इसके अंदर लिख रहा है कि नो क्विक कमीशनिंग एंड फाइंड क्विक कमीशनिंग विच मोटर कैलकुलेट द ऑल पैरामीटर्स। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद इसके अंदर पैरामीटर को टू हैव। अब दोस्तों ये सारे पैरामीटर सेट कर दिया, उसके बाद आपको मोटर को चला लेना है। अब एक छोटा सा चार्ट दिखा दो जिससे समझ में आ गया। ये सारे एस के, ये किसी आर ड्राइव का एक्स रॉथ का है दोस्तों, ये मैंने गलत ले लिया, जो उसमें कैसे मोटर का डाटा सेट करना था। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा, मैंने आपको कीपैड से लेके कीपैड कैसे वर्क करेगा, पैसे पैरामीटर खुले कैसे सेट होगा वो बता दिया, उसके बाद मोटर का पैरामीटर डलवा दिया, उसके बाद कमीशनिंग करना पूरा बता दिया, कैसे कमीशनिंग करना, सारा मोटर डालना, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम वोल्टेज, सारा कुछ डाल के उसके बाद आपको मल्टी, अभी इसमें तो बहुत सारा लंबा होता है कि टर्मिनल, ये क्या होता है कि ड्राइव जो भी कंपनी बनाती है बहुत सारे पैरामीटर को ऑलरेडी वो डिफाइन करके डाल डिफाइन कर रहती है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अभी काफ़ी ड्राइव का वीडियो बना चुका हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल वीडियो लाने वाला हूँ। अभी बेसिकली थोड़ी थ्योरेटिकल मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इस टाइप की वीडियो देखने के लिए, अभी तो काफ़ी डेनफोसिस और काफ़ी ड्राइव का वीडियो बाकी है, तो अभी बहुत सारे 10-12 ड्राइव और है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।